तने मेरे ऑफिस को तहतमाशा बना रखा है। तेरे बनाए हुए एक भी प्रोजेक्ट आज तक पास हुआ है? अरे मैं तो 30,000 रुपया सैलरी देना जानू ना, 60,000 रुपया को काम भी निकलवा लूंगा। यहाँ कहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ हाथ हटा। अरे यार तुम्हारी समझ में ना आवे, यू प्लेटफॉर्म मैंने कितनी मेहनत से तैयार करो, दांत फाड़ रही यहाँ बैठ के कुछ समझ में आता है नहीं। अरे बीड़ी लेकर दो भाई। मैंने कॉलेज में टॉप मारा, एक भी दिन की कंपनी में छुट्टी नहीं लेता। पिछले महीने 25 इंश्योरेंस बेचे और फिर भी प्रमोशन किसका हुआ? उस राहुल का। वो 12वीं फेल, हफ्ते में 3 दिन तो ऑफिस आवे यार, 60 दिन फोन में लगा रहा है। और भाई, और मेरे हाथ तक खोस के लेगा यार वो प्रमोशन। मेरे एक चीज बता, मेहनती आदमी होना गुनाह हो गया क्या भाई आज की तारीख में? और भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, वैसे मेरी MBA खत्म होने वाली है। MBA? पर तू तो जॉब कर रहा है ना, तेरे को कब टाइम मिला MBA करने का? अबे खस्सी 1950 में जी रहेगा भाई, अपग्रेड ऐप डाउनलोड कर, तू जॉब करते करते साइड में कोई सा भी कोर्स कर सकता है, जैसे कि MBA, मास्टर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स, वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से, जैसे कि IIT मद्रास, लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी और मायका। किसी भी वेल नोन यूनिवर्सिटी से तू डिग्री ले सकता है सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करके, और यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से 1-on-1 इंटरेक्शन और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। और भाई ये नाम की डिग्री ना है, काम की डिग्री है। एक बार MBA खत्म हो जाने दे तेरे भाई की, इस पूरी कंपनी ने खरीद लूंगा, इतना मोटा पैसा कमाऊंगा ना अगली कंपनी से, और उसमें पता है राहुल और बॉस को पता है क्या रखूंगा? पानी भरने वाला। अबे भाई तू इतनी सी बात के लिए जॉब छोड़ देगा क्या? ब्रो तेरे करियर पे फोकस कर, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं यार ये। भाई लाइफ एक्सपीरियंस होगा अपने घर पे, जहां मेरी इज्जत नहीं वहां मैं नहीं। मैं भाई जॉब छोड़ रहा हूं, अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा हूं। हेलो गाइस, मे आई हैव अटेंशन प्लीज? ये ऐसे नहीं सुनेंगे। और ध्यान तो सुनो, अब की दिवाली पे मैं तुम्हें श्वेता की बनियान और गर्म पजम भी दूंगा। भक्कड़ कहीं के, मैं ना दूं तुम्हें कुछ भी, मैं दूंगा तुम्हें टीना, तुम्हारी नई कलीग। टीना कम ऑन बेबी। हेर चुन्नी जालीदार तेरी और उड़े हवा में बाल तेरे, गला पे डिंपल पड़ जासे, गणे सुथरे लागे गाल तेरे, सुथरे लागे गाल तेरे। टीना यू है तेरा नया ऑफिस, ठीक है, इन सबसे बढ़िया तरीका से मिलजुल ले। हेलो, यही कर ले। हेलो, और तो कभी भी कोई काम हो ना तो मोते मत कहियो, इनते कहियो, क्योंकि दिन में ना मैं बिल्कुल फ्री ना हूं, रात को फ्री हूं। इंट्रो कर लूं पूरा? ओ इन तभी कहा इंट्रो करना, मौत करना, चल कुली नंबर 1 दिखाऊंगा बढ़िया। ओए 2 गरम समोसे, 1 जहर की पुड़िया ला दे, मजा आ जाएगा, चला फिल्म दिखाता हूँ। तो भाई तू सही कह रहा था यार, भाई मेरे करियर पे फोकस होना चाहिए भाई मेरा यार, मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे ऑफिस थोड़ी ना छोड़ दूंगा भाई, इसी ऑफिस में रहूंगा और खूब मेहनत करूंगा। ब्रो तो मेहनत ही करना, कुछ और मत कर देना, तुम्हें तो पता होगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो अभी इसी ऑफिस में काम करे। अरे सुबह सुबह गर्लफ्रेंड के नाम की बीटी दे दी तेने, तुझे पता नहीं है उसके नाम से भाई मेरे को स्ट्रेस होता है यार, अब सुट्टा पीना पड़ेगा मुझे। चल मेरे को लेके चल, सुट्टा पीने चल रहे हैं। सिगरेट पीन का बस बहाना दे दो तेरे को, चल। भैया 2 गोल्ड फ्लैक्स दे दो और 2 चाय लगा दो। थैंक यू, पकड़ने। भाई वैसे सुनने में आ रहा है तू और नया शादी कर रहे हो अगले महीने। अबे तू पागल वागल है क्या, साले कौन अफवाह फैला रहा है उल्टी सीधी, मैं क्यों करूंगा उससे ब्याह? अफवाह ना भाई, नया खुद बता रही थी यार मेरे ते यार। अबे यार यू कैसी छोरी है भाई, इसने जी दुखी कर रखा है यार, ये थोड़ी थोड़ी पागल सी है क्या, बेवकूफ सी, सारा दिन उल्टी सीधी अफवाह फैला, सिगरेट दे चल। एक्सक्यूज मी, लाइटर होगा? ये लड़की कौन है, ये तो पहली बार देखी मैंने ऑफिस में, तू जानता है इसको? एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में आता हूं, तू साइड चल। यार वो ना गर्लफ्रेंड है इसकी, इसकी ना अगले साल शादी है, ये लड़ते ही रहते ऐसे, तू बता क्लब चलेगी मेरे घर शाम को? धुम्मा ठा देंगे। तुम ही जाओ, वो एक्चुअली मुझे ना अपने बाप के टान के भट्टे पे धुआं उठाने जाना है। ओके बाय। अबे क्या ड्रामा लगा रखा तूने यार? ड्रामा? और मैंने लगा रखा है? तुम मुझे ये बताओ तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? नहीं नहीं
अरे मेरा मतलब करनी है यार, तू चुप तो हो जा। नहीं मैं नहीं हो रही चुप, तुम पक्का उसके साथ कुछ कर रहे होगे। तुम उसके साथ गुलू गुलू कर रहे थे ना। अबे मैं क्या करूंगा उसके साथ यार, और जब तक तू है तू होने भी कहां देगी। सब सुनाई दे रहा है मुझे। मैं जा रही हूँ सीसीटीवी चेक करने, तुम उड़ाओ उसके साथ गुलछर्रे। क्या नाम है उसका? टीना। तुम्हें उसका नाम नहीं पता है? मैं जा रही हूँ। रुक रुक, तू मेरे से ब्रेकअप करके जा रही है? नहीं, ऐसे थोड़ी होगा ब्रेकअप। अरे फिर कैसे होगा? होगा ही नहीं। भगवान ये कैसे जाल में फंसा रखा आपने। लो देखो। अच्छा वैसे जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो तुमने ईंटें कहाँ से ली? हमने तो सारा मटेरियल उधार लिया था। उधार? फिर तो रहने दो। वो क्या है ना, मेरे बाप का ना ईटान का भट्टा है, तो मैंने सोचा तुम क्यों ना वहां से ले लेते। लेकिन वो उधार नहीं देते तो तुम तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। हाय हाय। वो यार एक्चुअली सुबह के लिए सॉरी, वो मेरे साथ जो बंदी थी ना। हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अनफॉर्चुनेटली यार वो ना मेरे को लेके थोड़ी ओवर पोजेसिव है, तो उसके वजह से थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया, उसके लिए सॉरी। चिल, गर्लफ्रेंड्स पोजेसिव होती हैं। तुम भी हो गए अपने बॉयफ्रेंड के लिए पोजेसिव? बॉयफ्रेंड होता तो जरूर होती, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से थोड़ा कम। और हाँ, मेरे बाप का ना ईटान का भट्टा है, अगर तुम्हें ईटी चाहिए तो कॉल मी। ओ डैम, इनका तो यार ईटों का भी नहीं ईटान का भट्टा है। इतने कूल हैं ये, इतना स्वैग कहाँ जम कर रहे हैं लोग आजकल। हाँ भाई कैसे, दो बोट पे पैर रखने की तैयारी चल रही है के? यार दिल तो मेरा एक ही बोट पे है, दूसरे बोट की तो मैं चाह रहा मेरी डूब जावे। तो भाई सीधा बोल देना नेहा को कि ब्रेकअप करना है। अरे यार इतना इजी नहीं है भाई, वो नस काट के मर जाएगी, मेरा नाम लिख जाएगी, साले फंसवाएगा का मुझे। अगर भाई मेरी जिंदगी में ब्रेकअप होना है ना मेरा भाई, अगला ही जन्म लेना पड़ेगा साला। बेबी जरा यहाँ पे आना। अब देखियो पक्का कंप्लेंट करेगी। यस। तुम आजकल लड़कों के साथ कुछ ज्यादा नहीं रहने लग गए हो? अबे तेरे दिमाग में मवाद जम रही है क्या टटीरी से मुंह की? हैं तू यार पहले तो ऐसी नहीं थी। भैया वो ना सर बुला रहे हैं आपको अपने कैबिन में। आ रहा हूँ भाई। यार तू एक काम कर, तेरे को ना मुझे ऐसा लगता है तेरे दिमाग को रेस्ट की जरूरत है, तू ना 3-4 साल की छुट्टी ले ले और ना कहीं दूर चली जा। तू एक काम कर, तू मार्स पे चली जा। हाँ हाँ, तुम तो मुझे दूर ही भेजना चाहते हो ना। हाथ जुड़वा लो देवी, हाथ जुड़वा लो। टीना तू घर में अकेली है और कोई बहन भी है? नहीं सिर्फ मैं। मतलब पापा में जान कम है, अम्मा बहुत है। मैं आई कम इन सर। यार आ ना, तू फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है? आजा बैठ बैठ बैठ। सर छोरी तो बहुत बढ़िया बैठा रखी है आपने। और मेरे को पता है आपको प्रमोशन वर्मोशन तो देनी ना है, जो बात है सीधी बता दो। आज तो मैं टीना तेरी टीम में घेर रहा हूँ, तू यह सारा काम समझाएगा ठीक है? सर मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इनसे पूछ लो, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। नो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब पूछी बॉस कौन है? तो एकदम बटन पे। तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो दिन में मेरे दोहरे फोन मत करियो, क्योंकि दिन में मैं बिजी रहूं रात को एकदम फ्री हूं। और सुन तेरे निया ना नी प्रसाद ले जाएगा ठीक है? अब जाओ निकलो यहाँ पे चलो। और सुन वो नेहा ना वातन कह दियो मैंने कैश वाले डिपार्टमेंट में घेर दिया है ठीक है? तू ही कह दिया, मैं जा कहूंगा क्या? सर आपने नेहा का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया? हाँ आपने नेहा का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया? हाँ भाई हाँ, तेरे कान में जाकर बोलूं? अरे सर आपको तो मैं गली छाप कुत्ता समझता था जो हर जगह मुंह मार है, आप हो अभी भी पर अच्छे वाले, आप तो सर महान इंसान निकले। एक किस्सी कर लूं छोटी सी है, एक कान पे छोटी सी किस्सी कर लूं मूड बन जाएगा। चल यहां पे यार एक बात तो है, छोरो मुंड मोहि तो करवा ही लेते, पर कोई बात ना फिर चढ़ा गांठ में करती है सेट। यार मैं भी पूरा खलनायक ही पढ़ा हूं है। बेबी मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही हूँ, अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, तू चले जा। क्या
बन जा। पर क्या ही कर सकते हैं, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा, तू जा और लेके जा इसको बाबुल की। ओ भाई टीना को पे ले जा, अब हुई है ना मेरी ताजी जिंदगी शुरू। टीना कहाँ है? और तू कहीं खो गया का छोटी छोरी? क्या? Are you lost baby girl? You are so funny. अरे यार मैं फनी तो बचपन से हूँ, अपनी मम्मी पे गया हूँ ना। अब भाई करें नहीं शुरुआत? किसकी? अरे किस भी करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है हम पे, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा वैसे अलवीश, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते अगर तुम उसके साथ खुश नहीं रहते तो? यार तेरे को क्या ही रीजन बताऊं, अगर ब्रेकअप करना होता तो मैं बहुत पहले ना कर लेता, मजबूरी है मेरी मजबूरी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना। Oh my God! तूने मेरे को अपना हाथ दे दिया ना, यही तो चाहिए था मेरे को, मुझे किसी का साथ चाहिए था। पता चला है जिस्मों का नशा करता है। चुप! यार मेरा हर एक से मजा करता है। मुझे तो पहले से ही पता था तुम मुझे चीट कर रहे हो। तू नहीं करवाया ना मेरा ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में? वो तो मुझे हिचकी आ रही थी तो मैंने सोचा तुझे मेरी याद आ रही होगी, पर तुझे मेरी याद नहीं आ रही, तुझे तो थरक आ रही है। ओ बस क्या कर रहा हूँ मैं, क्या गलत कर रहा हूँ मेरे को ये बता देना। और तेरा कुत्ता हूँ मैं या फिर तेरा नौकर हूँ, तेरा पट्टा बांध रखा जो तेरे को सारा दिन अपडेट देता रहूँगी क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं आती तेरे को। तुम मेरे पे शॉट कर रहे हो? ले तू पूछ रही थी ना रीजन क्या है, भाई ये साइको है एक नंबर की यार। और तुझे अगर तुझे भी ना बताओ ना तो तेरे को भी बता दू, तू साइको है साइको। और भाई जेन्युइनली नहीं रहना मेरे को तेरे साथ यार, मैं इतने टाइम से कहना चाहता था, मुझे डर लगता था, प्लीज मेरे को छोड़ दे, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तुम्हें नहीं रहना ना मेरे साथ? नहीं, नो। छत तक कूदन जा रही है। अरे तुम फंसवाओगे, साड़ी कूदना चाहिए यार। कहाँ जा रही है? अरे मेरी माँ कहाँ कूद के मरेगी, नीचे गिर जाएगी, तूने तो हील भी पैर रखी है। अरे यार मेरे पे कितनी धारा लगवाएगी तू? देखने यार अच्छी बात नहीं है, बहुत ऊपर है यार ये, नीचे गिर के बच भी गई तो हाथ पैर टूट जाएंगे। कुछ नहीं कर रहे, नहीं होगा तेरा ब्रेकअप, सब सॉर्ट हो जाएगा यार। मैं कूद जाऊंगी अलवेश। एक काम कर आज तू कूद ही जा, तेने अपनी लाइफ तो खराब करी रखी, गैल गैल हमारी ना भी कर दे, आज तू कूद। मैं सच में कूद जाऊंगी। हाँ हाँ सच्ची की कह रहा हूँ, कूद तू आज। क्या कह रहा है यार तू ये? अरे रुक जा, अरे तू कूद। इतनी बुरी हूँ क्या अलविश मैं? यार देख अच्छे बुरे की बात नहीं है, मैं तेरे को बहुत अच्छे नोट पे बता रहा हूँ कि मेरे को नहीं रहना यार तेरे साथ। बहुत टाइम से मैं तेरे को बोलना चाह रहा था कि अंदर से खुश नहीं हूँ मैं, और इसी डर से नहीं बताया कि कभी तू अपने आप को कुछ करना ले, पर प्लीज यार मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इन रियलिटी मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, प्लीज मेरे को छोड़ दे। आई नो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैं ये भी नहीं ध्यान दे पाई कि तू खुश है भी या नहीं। बस मैं तुझे किसी कॉस्ट पे खोना नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी, होप करती हूँ तू मेरे बिना ज्यादा खुश रहेगा। बेचारी। पर भाई तूने क्या ही रिस्क लिया यार, वैसे अगर सच में कूद कर मर जाती तो ये? अबे पागल है क्या भाई, जो कूदन वाले रहे उनकी आंख में अलग ही दिख जावे, इसके बस की मच्छर मक्खी मारने तो है नहीं, अपने आपने मारेगी हो। नहीं तू तो खिलाड़ी आदमी निकला यार, तूने ऐसी बंदी से पीछा छुड़वा लिया, अब आगे क्या सीन है तेरा?
भाई आगे का सीन फुल सॉर्टेड है, नीचे वाली बंदी से ऐड कर रखी है। भाई क्या लड़की है यार वो, कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी कूल। अब नीचे जाऊंगा अपनी सहेली के पास, उससे बताऊंगा यार का हो चुका ब्रेकअप, फुल पार्टी करेंगे, फुल ओयो रशियंस बच्चे सेट। आज तो सच्ची लव स्टोरी बना दूंगा यार। राकेश एक काम कर तू, ओयो में ना 207 नंबर कमरा बुक कर दे मेरे। अरे हाँ हाँ हो जाएगा मेरा प्रमोशन, यहाँ का सीन ना एकदम सिंपल है। और इस कंपनी में आगे बढ़ने का क्या शॉर्टकट तरीका है वो भी पता चल गया। अब तू देखती जा, मैं अपनी लाइफ की इतनी लंबी सीढ़ी चढ़ूंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। और देखियो धीरे धीरे करके ना मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि ना तू सोच भी नहीं सकती यार। ठीक है मैं बाद में। एलविश अच्छा हुआ तुम आ गए, वो मैंने प्रोजेक्ट ना आधा कंप्लीट कर दिया है, बाकी का तुम कर दोगे। वो एक्चुअली मेरी ना उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बॉस से कुछ काम भी था तो वो मैं निपटा के आती हूँ, तुम कर दोगे। थैंक यू, बाय। प्रोजेक्ट तो मैं कर दूंगा, पर जब बॉस के पास जावे ना तो उससे कहिए ऑफिस में और भी मेहनत करने वाले लोग हैं, उन पर भी ध्यान दे लें। बाकी तेरे तक सलाह देना चाहूंगा, जो ये शॉर्टकट वाली सक्सेस है ना, अभी तुझे लग रहा होगा कि मैं बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बेटा एक मुकाम पे पहुंचने के बाद लाइफ तुझे ऐसा धक्का देगी ना, जब लाइफ में सिर्फ शॉर्टकट्स ही बचेंगे, सक्सेस नहीं बचेगी। बाकी भाई मैं तो तेरे को कोई नहीं समझाने वाला, बस मैं ऐसे एज अ फ्रेंड बता रहा था। बाकी आगे तेरी मर्जी है, जो मर्जी कर, और डोंट वरी किसी को नहीं बता रहा, टॉप सीक्रेट। कह तो तुम सही रहे हो। हेलो, हाँ बॉस मैं अभी आई। होप करता हूँ भाई वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो भाई इसको लाइक जरूर करना। हर बार तुम मेरे लाइक्स का एम कंप्लीट करा देते हो, इस वाली वीडियो पे एम करते हैं भाई 5 लाख लाइक्स का। तो मुझे पता भाई तुम करवा दोगे जल्दी से 5 लाख लाइक्स करवा दो, और ट्यूशन टीचर पार्ट 3 भी आएगा यार, आएगा मुझे पता, तुम बहुत मैसेज कर रहे हो। अगली वीडियो वही निकालेंगे, उसका थोड़ा वेट करना। और भाई बाकी लाइक कमेंट शेयर, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके बताना कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई अपग्रेड ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।